झालावाड़ में जिला कारागृह में रात करीब 9:30 बजे 6 फीट लंबा कोबरा प्रवेश कर गया, जिसे वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। अगर समय रहते जहरीले कोबरे का पता नहीं चलता तो बड़ी घटना हो सकती थी। इस घटना के संबंध में जेल अधीक्षक वैभव भारद्वाज ने बताया कि जेल परिसर में कुछ बंदी हैं और इस परिसर में लगभग 6 फीट लंबा कोबरा सांप प्रवेश कर गया है। इसके साथ ही यहां सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस कर्मियों को जिला कारागृह के वार्ड नंबर 7 में कोबरा नजर आया। इस काले कोबरे की सूचना पुलिस जवानों ने जेल अधीक्षक वैभव भारद्वाज को दी। सूचना मिलते ही जेल अधीक्षक ने वन विभाग को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और जेल पुलिस कर्मियों के सहयोग से सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर 6 फीट लंबे कोबरे सांप को अपने साथ ले गई। जेल अधीक्षक भारद्वाज ने बताया कि पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था व पुलिस कर्मियों के सहयोग से रेस्क्यू करने में सफलता मिली। पंजाब केसरी के लिए झालावाड़ से बल बहादुर सिंह की रिपोर्ट।